नमस्कार, मैं कहकशा आपका इजी पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, इजी पे NSDL का अपडेट आया है। जिन भी कस्टमर्स का आपने पैन कार्ड बनाया है और वो किसी कारणवश उनको फिजिकली या ईमेल पर नहीं मिला है, तो अब आप उनका इजी पे NSDL से ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन कस्टमर्स का पैन कार्ड खो गया है या नहीं मिल रहा है, आप उनका भी ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दो बातों का ध्यान रखें। पहला, जिन कस्टमर्स का आपने पैन कार्ड बनाया है, बनाने से लेकर एक महीने तक आप तीन बार पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। दूसरा, जिन कस्टमर का एक महीने से ज़्यादा हो गया है, आप उनका भी ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका चार्ज ₹8.26 लगेगा। आइए तो मैं आपको बताती हूँ आपको इजी पे NSDL से कैसे पैन कार्ड डाउनलोड करें। क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद www.easypay.app सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके यहाँ पर पार्टनर लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन आईडी फिल करना है। अपना लॉगिन आईडी फिल कीजिए। नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, अपना पासवर्ड आप फिल कीजिए। फिल करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए अपनी आईडी, और आपको यहाँ पे OTP लिखना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP गया है, आपको वो फिल करना है। फिल कीजिए और वेरीफाई कीजिए। आपको कुछ इस तरीके से शो कर रहा होगा, जिसमें आपको NSDL के दो ऑप्शन है, एक आपको न्यू पैन कार्ड बनाने का एंड सेकंड आपको ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का। आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर या पैन कार्ड नंबर से अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर आप फिल कीजिए, आधार नंबर आपको फिल करना है नीचे, और नीचे आपको मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, आपको ये भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। GST नंबर आपको ऑप्शनल है, आप उसको स्किप कर दीजिए। देन आपको नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिए और अपना कैप्चा फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, जिसमें आपको डाउनलोड ई पैन कार्ड आपको ऑप्शन आ रहा है, और आपकी जो डिटेल्स है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी, आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन फॉर रिसीव OTP, जिसमें आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या बोथ दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आई एग्री पे क्लिक कीजिए और जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो नंबर आपने रजिस्टर्ड किया या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया है, जो सिलेक्ट किया था, उस पर OTP गया है। आप OTP सबमिट कीजिए और वैलिडेट कर दीजिए। यहाँ पे मेंशन भी आप देख पा रहे हैं। वैलिडेट कीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से डिटेल शो कर रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ई पैन कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वहाँ पे मेंशन है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन आएगा PDF पे। तो उसमें पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको टाइप करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको पासवर्ड का डिटेल्स शो करता है। तो यहाँ पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जब आप डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे, आप सबमिट कीजिए, आपके ओपन हो जाएगा ई पैन कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है। तो जैसे कि आपने देखा कि इजी पे से ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। डिजिटल सदी के डिजिटल भारत में हम भी रहते हैं। सब है जहां वो है इजी पे।